assalamualaikum dear students subject political science and topic is constitution of malaysia and subtopic is assistance to election commission नंबर है स्टूडेंट्स थ्री फोर्टी नाइन सॉरी थ्री फिफ्टी फाइव थ्री फिफ्टी फाइव पेज नंबर है और लास्ट टॉपिक में हम लोग लास्ट लेक्चर में इलेक्शन कमीशन के हवाले से हम लोग स्टडी करे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो सब टॉपिक है वो है असिस्टेंस टू इलेक्शन कमीशन पेज नंबर थ्री फिफ्टी फाइव पेज नंबर थ्री फिफ्टी फाइव टू इलेक्शन कमीशन

जो है वो उनकी जो लोग हैं उनको मुलाजमत नहीं दे सकता अपने असिस्टेंस के लिए अपनी आप कह लें कि मदद के लिए लोगों को जो है वो हायर कर सकता है उनको मुलाजमत दे सकता है कुछ महदूद शराय के ऊपर और वो शराय जिनका तयन अः यंग दि पटवान ने जिनको अप्रूव किया होगा जो जो चीज़ें तय की होंगी उसके अकॉर्डिंगली जो है इलेक्शन कमीशन जो है अपनी मदद के लिए लोगों को हायर कर सकता है

तमाम अवामी हुकाम कमिशन की दरख्वास्त पर कमिशन की आ, कमिशन को अपनी दारियाँ जो है वो फ्राह्म करेंगे ठीक है अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो जो आ, वो असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं वो तमाम जो है इलेक्शन कमीशन को अपनी प्रोवाइड करेंगे जो कि अमली तौर पर मुमकिन होगा अमली तौर पर मुमकिन हो या जो कि अकॉर्डिंग टू योर Uh, उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके मुताबिक उसके ऊपर जो है उनको मदद फ्राहम करेंगे जिसका जिसका तयन पहले से हुआ हो जो अमली तौर पर मुमकिन भी हो तमाम जो इदारे हैं वो इलेक्शन कमीशन की हेल्प करेंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी जुम्मेदारी उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करें और दूसरी बात वो कहता है क्लॉज वन के हवाले से वो कहता है के लिए जो हल्कों की हदबंदी है वो भी की जाएगी और प्लस उसने कहा फेडरल आ, के टू ऑफिसर्स फेडरल गवर्नमेंट टू ऑफिसर्स को जो है वो आ, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन के वाले से ये जो हल्का बंदियों के वाले से और पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करने की हल्का बंदियों के के तो उन दो को फेडरल कमीशन भेजेगा और इधर टोपोग्राफी का जिक्र किया टोपोग्राफी होता है स्टूडेंट्स के आ, जिसको कह लें कि नक्शा साज होता है या जिसको तफसीली जोग्राफ जिसको की जोग्राफी का इलम हो उसको उसको तो, टो, टोपोग्राफी बोलते हैं जो कि नक्शा न साजो या जिसको बहुत डिटेल से जो आपकी टेरिटरी है आ, उसके उसकी डीमार्केशन के हवाले से उसकी हदूदबंदी के हवाले से उसको तफसली जोग्राफी मतलब और उसको आप टोपोग्राफी कह सकते हैं तो कहते हैं ऐसे इंसान टू परसन फेडरल गवर्नमेंट इनको भेजती है लेकिन वो आपकी जो दो ऑफिसर्स होते हैं वो सिलेक्ट कौन करते हैं वो यंग डी पटोन एगोंग उसको सिलेक्ट करते हैं और इस पर्पज के लिए उनको स्पेशल भेजा जाता है ताकि वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो अपने करें, उनको एडवाइस दे सके इलेक्शन कमीशन को के ऐसे ऐसे हल्का बंदियां करनी चाहिए डीमार्केशन डिमार्केशन होनी चाहिए इतनी टेरिटरी इस पॉपुलेशन के मुताबिक यानी कि एक किस्म के इलेक्शन कमीशन की हेल्प के लिए जो है वो आ, फेडरल गवर्नमेंट या एंग डी पटवान की अप्रूवल से आ, उनको स्पेशल इस लिए भेजा जाता है क्योंकि आ, आ, वो स्पेशलिस्ट होते हैं इस हवाले से तो इलेक्शन कमीशन को जो है वो एडवाइस देते हैं इलेक्शन कमीशन की मदद करते हैं हल्का बंदियों के हवाले से ये इसमें बात करें ठीक है स्टूडेंट समझ आ गया होपफुली आगे आ, फेडरल कॉन्स्टिटेंसीज नेक्स्ट इसी के नीचे फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ 116. For the election of members to the House of Representatives, a unit of review shall be divided into constituencies in accordance with the provisions contained in the 13th schedule. G. category number House of Representatives unit review shall be divided into है, जो है उसका जायजा अकॉर्डिंग टू द जो थर्टीन शेड्यूल uh, है उसके मुताबिक उसकी हल्का बंदियां या जो भी उसकी uh, 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 बंदी या हल्का बंदी की जाएगी वो अकॉर्डिंग टू थर्टीन शेड्यूल जो है इसके मुताबिक ये बड़ा इंपॉर्टेंट थर्टीन शेड्यूल है इसको भी हम लोग बाद में जो प्रवीन है थर्टीन शेड्यूल की ये कई जगह इसका जिक्र हुआ है तो इसको भी ये भी इम्पोर्टेंट है इसको भी मैंने एंड पे करना है इसको मैं अंडरलाइन किया हुआ है कि शेड्यूल क्या है इसमें क्या क्या क्लाजेज जो हैं वो आ, 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 शामिल है कौन कौन से आर्टिकल इसमें शामिल हैं है ये तमाम चीजें जो हम लोग इसको अब ये खत्म इनशा हो जाएगा उसके बाद डिस्कस करेंगे इनके आर्टिकल के हवाले से क्लाजिज़ के हवाले से, से अच्छा जी द नंबर

अच्छा तो में में म्यूट ना करें तो बीच में कोई ना कोई एक आधे घर से कोई डिस्टर्बेंस जरूर आ रही होती है अकेले छुप के बैठा करें घर वालों से ताकि आपको घर वाले डिस्टर्ब ना करें और आप बाकियों को ना करें अच्छा जी

लेजिस्लेटिव असेंबली और जो स्टेट की कहता है जो डिवाइड uh, करेगी उतने ही जितने मेंबर्स होंगे इलेक्टेड मेंबर्स जो होंगे और उतनी जो है वो तादाद में जो हल्का बंदियों की जो डिवीजन है वो होंगी और इसका भी तयन जो है वो uh, कौन करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन प्रोव इंदर थर्टीन शेड्यूल के अंदर जो है प्रोविज है <coughs> उसके मुताबिक जो है इसकी डिवीजन होगी लेकिन डिवीजन कितनी होगी जितने आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं उतनी ही आपकी वो जो uh, जो भी यानी कि तादाद जितनी भी मेंबर्स की है दस है पचास है सौ है तीन सौ है जितनी भी है उसके मुताबिक जो है वो हल्का बंदियां आपकी होंगी नेक्स्ट है जी मेथड ऑफ चैलेंजिंग इलेक्शंस

अदर पार्टीज के जो सरबराहान होते हैं जब वो इलेक्शन को हार जाते हैं तो अपनी डिसीव अपने उसको हार को जो कहते हैं जी हमें डिसीव किया गया है जो है वो फौज धोखे के साथ इलेक्शन जीत लिया या वो धांधली कर दी है तो यहाँ पे शोर मचाना शुरू हो जाते हैं और आज तक शायद ही कोई ऐसा इलेक्शन हुआ हो शायद हिस्ट्री में जिसमें डिक्टेटरशिप के इलेक्शंस को निकाल के जिसके अंदर कोई भी अपोजिशन पार्टी है जिसने आ, खुले दिल से इलेक्शंस को तस्लीम किया हो अगर वो पार्टी विन करती है तो बिल्कुल साफ सुथरे इलेक्शंस होते हैं अगर वो डिफ़ीट हो जाती है उसको तो वो अलेक्शन जो होते हैं ख़राब होते हैं या उसमें धोखा हुआ होता है रेगिंग हुई होती है और सौ मसले निकल आते हैं तो <coughs> यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मलेशिया के हवाले से वो कह रहे हैं जी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आप इलेक्शन को चाहे वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लजिस्लेटिव असम्बली के आ, किसी भी रियासत के हैं आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते उनकी आप उनको ये नहीं कह सकते कि ये इलेक्शन कभी कभी इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगता है आपके आप देखते हैं कि हमेशा से कहा जाता है पाकिस्तान की सियासत के अंदर इलेक्शन कमीशन का जो सरबरा था चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन उसने फेवर फेवर किया उसने मौके फराम कर दिए कभी किस पे इल्ज़ाम कभी फौज पर इल्ज़ाम कभी इलेक्शन कमीशन ने इंतजाम ठीक नहीं थे इलेक्शन कमीशन के अंदर ये फौज यानी कि जिस तरह से वो डिफेंड कर सकते अपनी हार को आ, उस तरह से वो डिफेंड अपनी को जो है वो बचाने की कोशिश करते हैं अपना इमेज को जो है वो बरकरार रखने की कोशिश करते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू योर यशन कॉन्स्टिट्यूशन आप जो है वो क्वेश्चन नहीं कर सकता कोई आम बंदा उठ के किसी मीडिया के ऊपर या आ, किसी को डायरेक्टली चैलेंज नहीं कर सकता जैसा यहाँ पे होता है हाँ आप चैलेंज कर सकते हैं एक शर्त पे अगर आपने पटिशन कोई प्रेजेंट की हो पटिशन होता है कोई दरख्वास या इल्तजा आई हो उस हवाले से और वो हाई कोर्ट के अंदर हो और वो उस जुडिडिक्शन के अंदर आती हो जिस जूरशन के अंदर इलेक्शन मुनद हुआ था जहाँ पे इलेक्शन हुआ उस हवाले से वहाँ पे वो दरख्वास उसको दे सकते हैं कोई पटिशन दायर हो सकती है ताकि जो है वो उस हवाले से आ, उसको उसका जो जो भी प्रॉब्लम उसका मुदावा किया जा सके लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि आपका रिजल्ट आने से पहले आप तमाम इल्ज़ाम या जो भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रैगिंग हुई भी है तो आप उसका तयन करने से पहले उसको साबित करने से पहले बेतहाशा एक दूसरे पर इल्जाम लगा देते हैं और बाद में वो सच निकलता है या झूठ निकलता है वो बात की बातें हैं बहाल ये सिस्टम है अगर आप ऐसे तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते ना इलेक्शन कमीशन को किसी भी गैर जानबदार या जानबदार इलेक्शन उस हवाले से लेकिन अगर कोई ऐसा जेन्युइन इशू है तो आप जो है पटिशन दायर कर सकते हैं उस रिडिक्शन में जहाँ पे इलेक्शन हाल्ट हुआ हो और अगर कोई आपकी अल्तजा है 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 तो थ्रू हाई कोर्ट जो है वो सुनी जा सकती है और आपको पता है यहाँ पे ये भी है कि अगर वो अल्तजा जो की है वो सच साबित ना हो सके कोई इल्जाम लगाया है जो भी है तो उसके ऊपर जितना आ, एक आ, उसकी अमाउंट होती है वो भी पे करनी पड़ती है और प्लस जो भी अदालत का टाइम ज़ाया हुआ है अदालत का जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो भी उस पटिशनर को जो है वो आ, देना पड़ता है अगर आ, जो उसकी इल्तजा है वो अनसक्सेसफुल होती है ठीक है तब उसको ये भी पे करना पड़ता है कोई इसका कोई अमाउंट है <coughs> वो पे करना पड़ता है एग्जैक्ट अमाउंट मुझे अब नहीं पता अच्छा ये मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग इलेक्शन पिटीशन ऑफ नो रिटर्न इसको काट दें 118 ए जो है 357 पेज बेटा हाँ जी 188 काट दें इसको अच्छा जी आगे है जी क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टर्स अच्छा जी अब जो आ, अब क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टर्स इलेक्टर्स कौन से होते हैं इलेक्टर्स होते हैं जी राय दहिंदा इंत इंतخाव करने वाले जो होते हैं वो इलेक्टर्स होते हैं अब वो कह रहे हैं जी इलेक्टर्स के हवाले से कि एवरी सिटीजन आप कौन कौन सा जो है वो इलेक्टर्स हो सकता है <coughs> उस हवाले से वो डिस्कस कर रहा है कौन कौन हो सकता है जी वो कहते हैं कि एवरी सिटीजन हु हैज द एज ऑफ ईयर ऑन द क्वालिफाइंग डेट जो बंदा 21 साल का पर्सन 21 वन ईयर ओल्ड है वो क्या कर सकता है जी क्वालिफाई होगा ठीक है वोट कास्ट कर सकता है क्वालिफाई होगा वो और सेकंड पॉइंट में वो कह रहा है जी इज रेज इन अ अंस्टिट्युंसी ऑन सच क्वालिफाइंग डेट और इफ नॉट रेजिडेंट इज एन एब्सेंट वोटर अच्छा जी उस जहां पे इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है हल्का बंदियां जहां पे हल्कों की जो डिवीजन की गई होगी यहाँ तो वहां का वो रेजिडेंस होना चाहिए वहां रह, रहता हो वो लाजमी ठीक है यहाँ अगर वो रहता नहीं है तो एबसेंट वोटर हो एबसेंट वोटर से मुराद ही होता है कि देखिए जैसे आ, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि लाइक मेरा जो फॉर uh, एग्जाम मेरा जो शिनाख्ती कार्ड है उसके ऊपर अगर मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो फैसलाबाद का फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ जो मेरी मेरा जो वोट है वो जो है वो रहीमर खान की जो है वहाँ पे दर्ज है तो अब ये इलेक्शन होते हैं तो मैं लेकिन मैं रहता यहाँ पे हूँ लेकिन अ, मेरी वहां से वाबस्तगी है Uh, अब मैं रहता वहाँ पे नहीं हूँ लेकिन मैं वहाँ पे एबसेंट वोटर कंसिडर किया जाऊँगा या तो मैं वोट कास्ट कर दूँ अगर मैं वोट कास्ट नहीं करता तो मैं एबसेंट वोटर कंसिडर किया जाऊँगा क्योंकि मेरा जो वोट का इंदराज है वो वहाँ पे हुआ हुआ है और मैं एक जगह ही वोट कास्ट कर सकता हूँ ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक मैंबर जो है वो हाँ, दो ज, ज, जगहों से जो है वो अपनी सीट को ले सके हाँ तीन चार जगह से ही बड़े जो होते सियासतदान दो दो तीन तीन जगह से इलेक्शन लड़ते हैं लेकिन इन दी एंड इनको सीट एक ही रखनी होती है यानी कि अगर वो तीन हलकों से या दो हलकों से इलेक्शन लड़ते हैं और दोनों हलकों से फॉर एग्जांपल विन कर जाते हैं तो उन, उनके पास फिर ऑप्शन होता है कि एक जो सीट है उसको आ, उसको उनको गिव अप करना पड़ता है यानी कि अगर एम पी ए है और एमएलए पे खड़े या दो जगह से फॉर एग्जाम्पल एम पी ए पे खड़े हैं, हैं तो उनको एक हल्के से जो है वो करना पड़ेगा क्योंकि एक मेम्बर कैंडिडेट को जो है वो सिलेक्ट किया जाता है दो या तीन या एक से ज्यादा हल्कों में अगर वो सिलेक्ट हो भी जाता है वो कामयाब हो भी जाता है तो वो वो अपनी जो पार्स है वो उन दो हल्कों में तीन हल्कों में इस्तेमाल जो है वो नहीं करेगा वो एक जगह से उसको जो है वो विड्रॉ करना पड़ेगा और अपनी सर्विसेज जो है एक जगह से ही वो दे सकता है किसी एक हलके से अच्छा आगे सी पॉइंट में कह रहे हैं नेक्स्ट पेज थ्री फिफ्टी नाइन है वहाँ पे दोबारा इलेक्शन करवाया जाएगा वहाँ पे, वहाँ पे दोबारा इलेक्शन करवाया जाएगा जहाँ पे जो सीट्स खाली हो जाएंगी वहाँ पे दोबारा जो सीट्स छोड़ी होंगी फॉर एग्जांपल अगर आपने दो सीट्स या तीन सीट्स से लड़े और जहाँ पे आज वो जो दो सीट्स अब छोड़ेंगे वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होगा नए इलेक्शन कमीशन जो है वो उसको जो जो स्पीकर होगा उनको दरख्वास्त भेजेगा इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन दोबारा डेट्स का तयन करके उन सीट्स के ऊपर जो सीट्स खाली हुई हैं उन सीट्स के ऊपर ये जो सीट्स छोड़ी गई हैं उन सीट्स के ऊपर दोबारा जो है इलेक्शन कंडक्ट करवाता है और वो दोबारा वहां से जो मेंबर्स चूज होते हैं डिफरेंट पार्टीज के पॉइंट नंबर सी इज अंडर द प्रोविजन पेज थ्री पेज थ्री पॉइंट सी नीचे एंड पे देखिए Is under the provision of any law relating to election registered in the electoral role and elector in the constituency in which he resides on the qualifying date is entitled to vote in that constituency in any election to the House of Representative or Legislative Assembly unless he is disqualified under Clause C under any law relating to offense committed in the connection with elections. But no person shall in the same election vote in more than one constituency. <coughs> <coughs> कहता है जो जिस जगह आप रहता होगा वो वहां पे उसी हलके के अंदर जो अपना वोट कास्ट कर सकता है और या तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जहां पे, जहां का वो रहायशी है वहां का वो उसको हक हासिल होगा कि वो क्वालिफाई होगा कि वो वोट कास्ट कर सकते हैं हाँ अनलेस uh, या वो डिसकवालीफाई ना किया हो ऐसा कोई इसने काम ना किया हो ऐसा कोई इसने उसको इस, सजा ना हो स्पेशली uh, क्लास थ्री के वाले से जो भी क्लास थ्री की शिके अगर उसके ऊपर कोई भी एक शिक उसके ऊपर लागू होती है तो वो डिसकॉलीफाई हो जाएगा वोट कास्ट करने में जो है वो वोट डाल नहीं सकते और एक पर्सन जो उसने कहा अगर कोई ऑफेंस उसने कमिटेड किया इलेक्शंस के हवाले से या जो क्लॉज आपकी फोर uh, थ्री है उसके अकॉर्डिंग जो उसमें शिके हैं उसके मुताबिक आप वो कहते हैं कि और एक बंदा जो है जैसे बताया कि एक बंदा एक जगह से ही एक हल्के के अंदर ही वोट कास्ट कर सकता है जैसे मैंने बताया कि मैं मेरा वोट अगर उधर कास्ट है मैं इधर रहता मैं इधर हूं तो मैं ये कहूँ जी मैं तो इधर रहता हूँ तो मुझे इधर जो हल्का जो मेरे हल, जहा पे मैं रहता हूँ उसका जो हल्का बनता है मुझे उधर भी वोट कास्ट करना चाहिए क्योंकि मैं इधर रहता हूँ ऐसा नहीं हो सकता हाँ या मैं इधर रजिस्टर्ड करवा सकता हूँ जहा पे मैं इस टाइम रह रहा हूँ या उधर मैं उधर करवा सकता हूँ एक में काम कर सकता हूँ मैं ये नहीं कह सकता कि मैं वहां पे भी रहता था इसलिए मुझे वहां का भी दिया जाए हक और और मैं अब यहाँ रह रहा हूँ तो इधर का भी दिया जाए हां, या यहाँ का मैं वोट कास्ट रजिस्टर्ड करवा लू या वहां पे एक जगह पे एक बंदा जो है वो एक जगह पे अपना वोट का जो हक है वो इस्तेमाल कर सकता है दो जगह पे अपने राइट को इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकता या दो जगह वो कभी भी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा ऑटोमेटिकली जब आप वोट कास्ट करने जाते हैं तो जो आपका शिनाख्ती कार्ड देखने के बाद वो उसको देखते हैं कि इनका पहली बात तो हल्का पहले से की जाती जो जो भी आपका जो होता है रिप्रेजेंटेटिव होता है उस हल्के का जो भी कोई एम पी के सीट पर खड़ा होता है उन, उसके जो नुमाइंदे होते हैं वो घर घर जाके जो है वो पहले से ये लोगों की जो वोटर्स की निशानदेही करते हैं ठीक है, है जाके आपने देखा होगा अक्सर आप लोगों के घरों में भी आते हैं तो पर्ची काट के देते गिन के जाते कितने बंदे हैं कितना उस हिसाब से फिर आपको शनाख्ती कार्ड नंबर नोट करके जाते हैं और आपका वोट जो है इंदराज कराते हैं ठीक है और फिर जब आप जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपके शनाख्ती कार्ड के साथ जो उधर उनके पास डाटा तो उसके साथ मैच करते हैं तो फिर आप वहाँ पे वोट कास्ट कर सकते हैं अदरवाइज़ अगर आपका वहाँ पे नहीं है तो आप वोट जो है वो कास्ट जो है उनको नहीं कर सकते और ये इलेक्ट्रॉनिकली भी चेक हो जाता है कि आपका इंदराज कहाँ पर है अगर आप को नहीं पता तो वो मुझे भूल, भूल गया कौन सा किस नंबर पे मैसेज करते हैं इलेक्शन कमीशन के जब इलेक्शन के करीब आते हैं तो वो आप वोट आ, वो एट टर, एट टू एट क्या ऐसा कुछ है उस पर आप टाइप करके मैसेज पाँच रुपया सेंड करते हैं फाइव रुपीज़ लगते हैं तो आपको वो इन्फॉर्म कर देता है कि आपका जो है वो आ, आ, आपकी जो अंदराज है किस जगह पे किस शहर में किस गांव में किस जगह पे है और स्पेशली अगर आप ऐसे ही देखें कि मैं धोखा एट्टी थ्री हंड्रेड पे ठीक है अगर आप धोखा देने देने की कोशिश भी करते हैं कि मैं इधर भी कास्ट कर दूँ उधर ऐसे नहीं हो सकता जो उधर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो नुमाइंदे होते हैं वो आपको आपका देख के बता देते हैं कि आपका जो है यहाँ पे दराज ही नहीं है आप यहाँ पे वोट कास्ट जो है वो नहीं कर सकते बाकी रेगिंग के बच्चों बहुत सारे तमाशे और चीज़ें हैं जैसे मर्जी करते रहे पाकिस्तान में सब कुछ होता है हम किसी चीज को कैटागोरी के, के लिए नहीं कर सकते पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ पे जो कहीं दुनिया में नहीं हो सकता यहां पे हो पे सकता है इसलिए आ, हम तो आयन और कानून की बात करते हैं जो आयन और कानून कहता है बाकी उस आयन और कानून के अंदर आप उसको आ, तोड़े या जोड़े वो एक अलग इशू है बहरहाल जी अच्छा जी ये आगे जी जी चेक कर सकते हैं हाँ हाँ आप भी आप तो चेक कर सकते हो मैंने जैसे बताया वो आ, जी एटी थ्री हंड्रेड पे मैसेज करके वो आपको लिखा देता है आपकी सारी डिटेल कि आप किस जगह पे आपका है और वैसे भी अगर आप ऐसे कह रहे हैं जैसे रिसीव देने की इनको कोशिश करें कि इधर वोट भी डाल दें उधर भी डाल दें ऐसा नहीं हो सकता तो जब आपका शनाख्ती कार्ड नंबर देख के आपको वहाँ पे ओके करते हैं आपको शनाख्ती कार्ड नंबर ही नहीं वहाँ पे होगा तो वो आपको वोट डालने जो है वो नहीं देंगे बाकी अब दो नंबर ही बेटा करनी है तो उसका मुझे भी आप आप जो मैसेजिंग कर रहे हैं उसका मुझे पता नहीं दो नंबर ही हो सकती है बहुत सारे तरीकों से होती है बहुत सारे मेथड्स हैं ये काम करने के लेकिन आ, मुझे नहीं पता होते होंगे काफी अच्छा बच्चों यहाँ पे इसको ब्रेक लगाते हैं और अगर आपको क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप पूछे इसको कल फिनिश करके आगे जुडिशरी है Uh, उसको उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इसके कोई दो तीन पॉइंट्स हैं उनको वाइंड अप कर लेंगे इंशाल्लाह और आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे <coughs> इस हवाले से कोई क्वेश्चन uh, है जो आज हमने अभी पढ़ा है तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक किसी भी हवाले से या कुछ और बात करना चाहते हैं तो आज भी आपके पास तीन चार मिनट है उतनी देर में आपकी अटेंडेंस भी एक दफ़ा रिकॉल कर दूँ ताकि आपकी ये कॉल डिस्कनेक्ट होने से पहले हमारा अटेंडेंस का, का काम भी हो जाए मैं नेम रिकॉल कर देता हूं आप मुझे इधर मैसेज uh, में जो है वो लिखते रहे प्रेजेंट हुसनैन अहमद हमजा जिशान अनीला ताशाजा आकाशा रियाज वीर हमजा शमुना राना आतिका भी आई थी लेकिन वो अब उसका पता नहीं डिस्कुनेक्ट हो गया वैसे वो चली गई है उसने क्लास क्या सीजन की पहली क्लास उसने लेने की कोशिश की है लेकिन अनफॉर्चुनेटली लगता है वो भी नहीं ले सकी उसका डिसकनेक्ट हो गया या वैसे वो चली डोंट नो और बाकी माशाल्लाह आपके जो, जो बॉयज हैं उन्होंने तो कसम खाई हुई है ओके uh, ठीक okay, है आप भी हैं ठीक है तो उन्होंने तो मेरे ख्याल में हलफ दिया हुआ कहीं पे कि हमने क्लास नहीं लेनी तो चले ठीक है कोई बात नहीं जिस स्टूडेंट्स को बात है क्वेश्चन तो पूछे जी लगा दी आपकी भी ठीक है अच्छा यानी कि आपने मैसेज में नहीं लिखना मैं मैसेज में लिखे <coughs> तो फिर आ, मैं अन्यूट भी कर देता हूँ बच्चे आपको अनम्यूट म्यूट करते हैं। फिर पीछे से काफी जगहों से आवाज आती तो जो आप बात कर रहे थे वो भी कभी समझ नहीं आती इसलिए आ, मैं म्यूट ही रखता हूं आपको कहता हूं मैसेज में टाइप कर दे क्वेश्चन है तो लेकिन अब आप आपको अनम्यूट भी कर दिया है तो आप पूछ ले <laughs> सर क्वेश्चन ये था आपने कहा कि एक सीट रखनी होती है और बाकी को छोड़ना पड़ता है वो उधर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो सर इमरान खान ने पांच सीटों से विन किया था उसने एक रखी थी मियाँ वाली तो उधर तो मेरा ख्याल बाकी चार पे दोबारा इलेक्शन नहीं हुआ अभी तक नहीं होते हैं इलेक्शन तो हमेशा होता तो सीट को एक सीट जो है वो रखते हैं आप अपने इलाके की रखे हैं बाई इलाके की जहां से भी आपका दिल करता है इवन कि यहाँ तक भी होता है की और एम पी ए दोनों की सीट में से एक सीट भी चूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर आपने वजीर वजीआला बनना है ना तो आपको जरूरी है कि अगर आप एम एल ए पे भी विन करते हो और एम पी पे भी विन करते हैं आपको पता है शाह महमूद कुरैशी जो था ये एम एल ए पे विन किया इसने तीन चार जगह से खड़ा था अब एम पी ए पे भी खड़ा था एमएलए पे भी खड़ा था एम पी ए से हरा ये और एम एल ए की सीट जीत गया अब अगर ये वजीर अला पंजाब बनना था इसको तो वजीर अली पंजाब के लिए इसको एम पी ए होना लाजमी था एम एन ए बेशक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता एम पी ए होना लाजमी था अब ये एम पी ए नहीं था तो ये एक किस्म का उस दौर से भी बाहर था अब अगर ये वजी बना चाहता तो एम एल ए की सीट छोड़ के एम पी एम एन ए बड़ा होता तो प्रोविजनल है और वो सूबाई से नैशनल असम्बली का एम एल ए तो वो आप देखते लेकिन उसके बावजूद वो एम एन ए को जो है वो फिर एम पी की सीट को रखनी पड़नी थी इस तरह जो होता है आपने पांच जगह से इलेक्शन लड़ा या तीन जगह से लड़ा दो जगह से आपको एटली उसके पास इख्तार होता है वो दरख्वास्त भेजता है इलेक्शन कमीशन को, कि उसके जो है वो को जा आप जरा देख लीजिए दोबारा जिन जिन हल्को से इमरान खान खड़ा था बल्कि इसको सर्च करके बताइएगा कि उन हल्कों से कौन कौन जीता और कौन कौन खड़ा था दोबारा किस किस कैंडिडेट ने उसको ऑक्यूपाई किया हाँ जैसे मैंने बताया इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खाली रहना चाहे वो हल्का दो महीने खाली पड़ा रहे उस हल्के से कोई भी मेम्बर नहीं होता लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो दरख्वास्त भेजता है सॉरी स्पीकर जो है वो दरख्वास्त भेजता है इलेक्शन कमीशन को कि उस जगह के ऊपर जो है वो री एलेक्शन करवाई जाए इलेक्शन लाजमी होता होता है ये बहुत कम सीट्स है जिनके ऊपर कोई एक आदि क्योंकि जेनविन रीजन की वजह से उसके ऊपर इलेक्शन ना करवाया जाए कोई फड्डा है कोई लड़ाई है कोई स्टे लिया हुआ है वो एक अलग बात है लेकिन जो आप सीट खाली करते हैं उसके ऊपर री इलेक्शन हो जाता है लाजमी होता होता है अब मुझे कैंडिडेट नहीं पता कौन कौन से होते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशन आपका आइन यही कहता है और ये स्पीकर के पास होता है